हे वेलकम बैक, आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, अक्सर अब एग्ज़ाम का सीजन आ गया है, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीपीओ बहुत सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स की प्रॉब्लम आता है। फिल इन दी ब्लैंक्स एक ऐसा मेजर सेक्शन है कि जहाँ बच्चे नहीं कर पाते। आप सबों का डिमांड भी था कि सर फिल इन दी ब्लैंक्स मुझे करा दीजिए। फिल इन दी ब्लैंक्स की मैं बात आपसे कर रहा हूँ, तो फिल अप दी ब्लैंक्स ये बहुत सारे एग्ज़ाम में आपके 20 मार्क्स से पूछ जाते हैं, चाहे एसएससी हो सीपीओ, बहुत सारे पूछ जाते हैं। मैं आपसे बात करूँ कि फिल इन दी ब्लैंक्स जब क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि क्वेश्चन बन जाए। ऐसा कौन सा काम करें, ऐसा कौन सा मेथड पढ़ें, कैसे पढ़ें कि फिल इन दी ब्लैंक्स आपको आसानी से सोल्व हो जाए। तो मैं कुछ चैप्टर्स के नाम बता रहा हूं, आप उसको लिख लो चैप्टर्स के नाम, कि वो कॉमन एरर के लिए, फिल इन दी ब्लैंक्स के लिए बहुत जरूरी टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम लिख लो, घर पर आप पढ़ लेना उसको। कौन सा टॉपिक सर? तो पहला टेंस, टेंस का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। दूसरा लिख लो, टेंस के साथ पढ़ लेना कंडीशनल। टेंस के साथ क्या पढ़ना? कंडीशनल। जब टेंस के साथ आप कंडीशनल पढ़ लोगे तो आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, राइट? तो टेंस लिख लो, कंडीशनल लिख लो, उसके बाद लिख लो अब वॉइस। वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लिख लो नरेशन। तो टेंस, वॉइस, नरेशन, कंडीशनल, इसके साथ साथ प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये टोटल 4-5 चैप्टर्स हैं जो आपको बढ़िया से आना चाहिए। अगर ये चैप्टर्स आप बेहतर तरीके से कंप्लीट कर लिया तो कॉमन एरर्स और फिल इन दी ब्लैंक्स में कभी आपसे प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर बच्चे? अब यहां बात हम कर रहे थे फिल इन दी ब्लैंक्स का। तो फिल इन दी ब्लैंक्स में आपके दिमाग में जब भी क्वेश्चन आए तो तुरंत सॉल्व मत करो, पहले क्वेश्चन के नेचर को जानो और नेचर को जान करके आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करो। जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे हम लोग फिल इन दी ब्लैंक्स, जैसे क्वेश्चन आ जाए, हमने यहां पे लिखा कि आई विल लिव ऑस्ट्रेलिया बिफोर 3 months। अब देखा आई विल लिव ऑस्ट्रेलिया बिफोर 3 months, आगे डॉट डॉट दे दिया। अब ऑप्शन दिया ए हमने कि हैव पास्ट, ऑप्शन बी दिया वुड पास, ऑप्शन सी दिया वुड हैव पास्ट, ऑप्शन डी दिया विल पास। अब यहां पे हमने दिया क्वेश्चन, अब जानना यह है कि आंसर ए लगाऊं, बी लगाऊं, सी लगाऊं, डी लगाऊं, क्या लगाऊं आंसर। अगर ये पता हो जाए कि भाई आंसर क्यों, क्या, कैसे होगा, तो अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। जैसे हमने बात करा, सबसे पहले हम अगर बोल दें कि आंसर डी है, हम बोल दें आंसर सी है, आंसर बी है, आंसर ए, तो ऐसे काम नहीं चलना। जो किताब में हम लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाता है, ऐसे नहीं। आपको देखना है कि इसका आंसर ए क्यों, बी क्यों नहीं, आंसर बी क्यों, सी क्यों नहीं। आपको क्यों और कैसे का जवाब जब तक नहीं आता है तब तक आप इजी में सॉल्व नहीं कर सकते। मैं बता दूं आपको शॉर्टकट में, आपको जल्दी आंसर जाने की है ना, आंसर ए लगा लो, आंसर ए है, बी गलत, सी गलत, ए गलत। अब प्रश्न उठता है कि इसका आंसर ए क्यों होगा, मुद्दा ये है। अब देखो गौर से बोर्ड पे, हमने कहा यहां पे समझने के लिए कि सब्जेक्ट के साथ अगर विल का प्रयोग कर दिया जाए, ध्यान रखना विल का मतलब क्या हुआ, मॉडल्स, मॉडल्स का प्रयोग कर दिया जाए, मान लगा दी विम प्लस अदरबट, अब यहां पे हमने कॉमा दिया आने वाले समय में। अब ध्यान दो कि एक बार अगर विल आ गया तो आगे क्या हो सकता है, कॉमा लगाना और आगे तुम लगाना प्रेजेंट टेंस। क्या लगाना बच्चे? प्रेजेंट टेंस लगाना। अब प्रेजेंट टेंस क्यों सर? तो एक इसको कहते हैं कंडीशनल। क्या कहते हैं बच्चे? कंडीशनल। कंडीशनल में रूप प्रयोग करते हैं कि जब कोई एक क्लॉज फ्यूचर का आ जाए तो आगे क्या नहीं हो सकता। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल कुछ भी आ जाए, प्लस भीवन लगा दिया ना, तो आने वाले कोई भी क्लॉज जो आएगा, बस ध्यान रहना कि हमेशा प्रेजेंट होगा, इसके साथ कभी भी मॉडल्स नहीं होगा। मॉडल्स का मतलब क्या है सर? जैसे विल नहीं होगा, जैसे वुड नहीं होगा, तो आपको ध्यान देना है कि अगर पहला क्लाउज में कोई मॉडल्स आ जाए तो दोबारा फिर से मॉडल्स नहीं आएगा, दोबारा विल नहीं आएगा, सेल नहीं आएगा, वुड नहीं आएगा, कुड नहीं आएगा, माइट नहीं आएगा, इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आपको मैं सिखा रहा हूं, आप स्पीकिंग करना चाहते हो, अंग्रेजी बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो, सोचना चाहते हो, तो आपको इन सब का ज्ञान होना चाहिए। अदरवाइज आप अंग्रेजी गलत बोल रहे हो, अदरवाइज अंग्रेजी आप रॉन्ग बोल रहे हो, रॉन्ग लिख रहे हो और एरर्स बहुत दूर की बात होती है। अब यहां पे हम देखा कि आई विल लिव ऑस्ट्रेलिया बिफोर 3 months, अब बिफोर के बाद मुझे प्रेजेंट चाहिए, क्या चाहिए बच्चे? प्रेजेंट चाहिए। पता है कि वुड नहीं आएगा, मॉडल्स नहीं आएगा, वुड हैव मॉडल्स ये भी नहीं आएगा, विल पास मॉडल्स नहीं आएगा, आया क्या? हैव पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि नहीं बोलो, हैव के साथ भी लगाया ना, प्रेजेंट टेंस ही तो है ना,
अक्सर बहुत सारे बुक्स में बच्चे पढ़ लेते हैं कि अगर पहला क्लाउज, इस क्लाउज को तुम ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि जैसे मान लेते हैं आप इसको एकदम बिल्कुल याद ही कर लो तो आपके लिए बेहतर कॉन्सेप्ट बनेगा, क्योंकि आप जब बेहतर नहीं करोगे, जैसे आपको मैं सिखा रहा हूँ कि जैसे मान लो इफ का प्रयोग लगाओ, तुम्हें बता दूँ अनटिल लगाओ, तुम्हें बता दूँ अनलेस लगाओ, तुम्हें लगा दूँ वेन लगाओ, है ना, कुछ भी लगाओ, तुम्हें बता दूँ बिफोर लगाओ, अभी बिफोर देखा था आपने, मैं बता दूँ आफ्टर लगाओ, इन सब का प्रयोग के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना। और आने वाले क्लाउज में ये क्या लिखा, V1 और V5 का मतलब हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना, सिंपल प्रेजेंट अदर वर्ड। और आने वाले क्लाउज में तुम विल या शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हो, ऐसा काम आप कर सकते हो। जैसे हमने कहा इफ यू गो टू दिल्ली यू विल सी द रेड फोर्ट, अगर तुम दिल्ली जाओगे तो लाल किला देखोगे। सेंटेंस तो फ्यूचर का शो करता है, सेंटेंस का नेचर कैसा है बाबू, नेचर क्या है, फ्यूचर नेचर है, इसका नेचर फ्यूचर है, बट इसका नेचर फ्यूचर है बट ये कंडीशनल है, इसको कंडीशन कहते हैं, इसको शर्त कहते हैं। और शर्त में यहां पे बेहतर कर सकते हो, जैसे मैंने कहा यदि तुम दिल्ली जाओगे, इफ यू गो टू दिल्ली यू विल सी द रेड फोर्ट, है ना, जब तक तुम नहीं पहुंचोगे पास नहीं करोगे, अनलेस जब तक नहीं, अनलेस यू रीड यू विल नॉट पास। तो आप ध्यान देना, अगर मैं बोल दूं अनलेस यू विल रीड अनलेस यू विल नॉट रीड तो गलत हो जाएगा, इफ यू विल रीड। तो इसके साथ कभी भी ध्यान बच्चे, इन सब के साथ कभी भी विल या शैल का प्रयोग ना तो आप अंग्रेजी में करना, ना स्पीकिंग में करना, ना राइटिंग में करना, ना कॉमन एरर में करना। पहला क्लाउज अगर इसमें से कोई एक शब्द दिख जाए तो हमेशा प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना। प्रेजेंट टेंस में कोई भी टेंस हो सकता है, हमने सिंपल प्रेजेंट लिखा, इसके साथ हैज है प्लस V3 भी आ सकता है, प्रेजेंट का मतलब कोई भी प्रेजेंट हो सकता है। यह एक पैटर्न है जो हमने टेंस के बारे में कंडीशनल आपसे पूछा, कॉमन एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें पूछे जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। और दिखाता हूं अगला क्वेश्चन करके, क्वेश्चन हमने क्या देखा, अब आपको मैं बताया क्या करें, मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको ट्रेंड दे रहा हूं, अगर ट्रेंड फॉलो कर लोगे ना तो आपके लिए अंग्रेजी आसान हो जाएगा। उसी ट्रेंड को फॉलो करना है, उसी ट्रेंड पर चलना है, मैं एक एक क्वेश्चन करके आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, कुछ ट्रेंड को फॉलो करिए, ठीक है, राइट। तो हमने बोला द एग्जामिनेशन विल कमेंस डॉट डॉट नेक्स्ट वीक, अब यहां पे हमने नेक्स्ट वीक ले लिया, यहां वीक लिखा हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट वहां से वीक यहां पे। अब देखो ऑप्शन दिया चार, एक में दिया सिंस, फ्रॉम, ऑन, विद। अब यहां पे जानना यह है कि भाई इसका आंसर क्या लगाएं, तो अब देखना यह है द एग्जामिनेशन विल कमेंस शुरू होगा, अब देखना है नेक्स्ट यहां पे डाल दिया है, ठीक है, राइट। अब यहां पे ध्यान दो, सिंस लगाऊं, फ्रॉम लगाऊं, ऑन लगाऊं, विद लगाऊं, क्या लगाऊं। अब आपका आंसर पता है क्या होगा, आप चाहोगे कि सर ऑन लगा दो, क्या चाहोगे, ऑन, ऑन इसका आंसर गलत है। आप कहोगे कि सर सिंस लगा दो, सिंस इसका आंसर गलत है। आप कहोगे विथ लगा दो सर, विथ आंसर गलत है, इसका आंसर फ्रॉम होगा। क्यों सर, इसका आंसर फ्रॉम ऑन क्यों नहीं होगा सर, ऑन का मतलब तो पर होता है, से होता है। अब ध्यान देना कि आपके पास अंग्रेजी सीखने के लिए कुछ फैक्ट और कुछ कॉन्सेप्ट, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने कॉन्सेप्ट दिया, अब मैं आपसे फैक्ट दे रहा हूं, उस फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों को जब मिला लोगे ना तो अंग्रेजी लॉलीपॉप आसान हो जाएगा। अब यहां देखना यह है कि जब आप ध्यान दीजिए, नेक्स्ट, लास्ट, टुडे, टुमारो, इन सारे शब्दों के पहले एट, ऑन, इन, इन सारे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। अब देखो नेक्स्ट हो, लास्ट हो, टुडे हो, टुमारो हो, स्टरडे हो, द डे आफ्टर टुमारो हो, इन सारे शब्दों के साथ एट, इन, ऑन का प्रयोग नहीं होता, ऑन कट गया यहां से। सिंस तब लगाते हैं जब पॉइंट ऑफ टाइम, एक एक शब्द का जब तक पता नहीं होगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन सही करने में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। आप कहते हो फिल इन द ब्लैंक्स, मैं एक एक क्वेश्चन को हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आप देखो आप सीख पाओ अंग्रेजी। यहां पर सीखो कैसे, सिंस की बात, सिंस कहां लगाते हैं, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम में। सिंस की बात मैं कर दूं तो सिंस, ये समझ में आ गया आप सबको, लिख लिया। अब यहां पर ध्यान दो, सिंस का जो यूज है, सिंस का जो यूज है बच्चे, सिंस का यूज तीन तरह से करते हैं, ध्यान देना। पहला प्रयोग सिंस का कि पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम में आप सिंस का प्रयोग कर देना। कहां सर, तो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम में, जैसे कहां पास, जैसे बोलना हो कि मैं सोमवार से पढ़ रहा हूं तो आई हैव बीन रीडिंग सिंस मंडे, मैं जनवरी से पढ़ रहा हूं तो आई हैव बीन रीडिंग सिंस जनवरी। तो सिंस तब लगाना जब तुम्हारा पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम हो। सिंस का प्रयोग सेकंड कहां करेंगे, तो सेकंड करना कंजंक्शन में,
कहाँ करना, कंजंक्शन में। हिंदी क्या निकलता है, चूंकि, चूंकि नहीं बोलते हैं, चूंकि वह बीमार है, सिंस ही इज इल, इसलिए क्लास नहीं आ सकता, सो ही कांट अटेंड द क्लास, सिंस ही इज इल। तो सिंस मतलब क्या हुआ, चूंकि। इस केस में ये सेंटेंस को स्टार्ट करता है, इस केस में सेंटेंस की शुरुआत करता है, चूंकि का सेंस होता है। तीसरा होता है क्या भाई, कंजंक्शन ऑफ टाइम, क्या होता है बाबू, कंजंक्शन ऑफ टाइम, ये टाइम को शो करता है। यहां पर इसका निकलता है जब से, इस केस में सिंस का प्रयोग हम करते हैं सिंपल पास्ट में, तो ध्यान देना इसके साथ एस प्लस वी टू का प्रयोग करते हैं। देखो बेटा मेरा क्लास अप कर रहे हो ना, थोड़ा सा डीप नॉलेज, आप इसके पहले बहुत सारे वीडियो हमने यूट्यूब पे दिए हैं, सब आप देखो, एक सिस्टम से हमने क्लास में स्टार्ट किया है बेसिक से एडवांस, वो भी आप देखो, आपके लिए बेसिक शुरू किया है वो भी आप देखो, एक तरह से आप पढ़ोगे ना तो आपके क्वेश्चन बनना आसान हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ये मेरे चार क्वेश्चन कराने से, दस क्वेश्चन कराने से आप विद्वान नहीं बन जाओगे, लेकिन आपको एक ट्रैक मिलेगा जिस ट्रैक पर आप सोचोगे कि सर कहना क्या चाहते हैं। मैं हमेशा आपका फेवर करता हूं, हमेशा आपके लिए काम करता हूं, मैं चाहता हूं कि आप सीखो, और सीखो कैसे, बेहतर डिस्कस करो, आप मेरा यूट्यूब देखो, फिर हजारों बच्चों से डिस्कस करो कि बच्चा क्या सीख रहा है, कंपटीशन का माहौल क्रिएट करो, उसको बार बार देखो, कंसेप्ट को समझो कि सर कहना क्या चाहते हैं। हमने कहा कंडीशन ऑफ टाइम, जब से नहीं बोलते, जब से वो गया है मैं उसे नहीं मिला हूं, आई हैवंट मेट हिम सिंस ही लेफ्ट दिल्ली, है ना, तो सिंस ही लेफ्ट, तो इसके साथ हमेशा V2 का प्रयोग करना, सिंस के साथ V2 आता है, तो तीनों तीन तरह से प्रयोग होता है। ये सब चीज मैं पढ़ाऊंगा आगे आने वाले समय में। अब क्वेश्चन देखो, दीपक एग्रीड ऑल माई व्यूज बट अब हिज पेरेंट्स डिड नॉट, अब यहां पे क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछ रहे हैं ना कि आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो लगा नहीं पता है पूछना क्या चाहता है। अब यहां पर डिड नॉट पे लास्ट कर दिया। अब यहां पर क्वेश्चन देखो कि दीपक एग्रीड All my views, but his parents did not. यहीं पे लास्ट करिए क्वेश्चन। अब नहीं लगा कि थोड़ा सा अधूरा है, कुछ आगे होना चाहिए था, आगे कुछ दिया ही नहीं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि दीपक एग्रीड, अब यहां पे पूछ लिया फ्रेजल वर्ब, यानी फ्रेजल वर्ब का यूज कैसे करें ये पूछ लिया आपसे। तो दीपक एग्रीड, अब यहां पे क्या लगाएं, ऑफ लगाएं, विथ लगाएं, ऑन लगाएं, टू लगाएं। तो ध्यान देना, आप भी इतना ज्ञान आपके पास होगा कि भाई ऑफ नहीं होगा और ऑन नहीं होगा, आपके दिमाग में जा रहा होगा या तो आंसर विथ लगाऊं या तो आंसर टू लगाऊं। अगर ये पता चल जाए कि क्या होगा, एक्चुअली क्या है ना कि आपको सब पता है कि भाई एग्री वर्ड है, एग्री के साथ विथ भी आता है और एग्री के साथ टू भी आता है। अब अगर ये जानकारी मिल जाए कि सर एग्री के साथ विथ कब आता है, टू कब आता है, तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। हम लोग छोटे चीज समझते हैं, नहीं, हर चीज पढ़ना पड़ेगा, फ्रेजल वर्ब भी पढ़ना पड़ेगा। हमने क्या क्या बताया, वो कैब, फ्रेजल वर्ब और टॉपिक का नाम बताई दिया हमने, तो इसे ध्यान दो। तो एग्री विथ मतलब होता है व्यक्ति से सहमत, राइट, और एग्री टू मतलब होता है वस्तु या विचार से सहमत। अब यहां पर देखिए कि ऑल माई व्यूज बट हिज पेरेंट डिड नॉट, यानी व्यूज का मतलब क्या हुआ, विचार, व्यूज क्या हुआ, विचार, तो विचार से सहमत हैं। तो अब ध्यान दीजिए कि एग्री विथ लगाओगे या एग्री टू लगाओगे, तो विथ भी गलत हो गया, यहां हो गया सही डी, क्योंकि एग्री विथ, अगर विथ लगाते तो एग्री विथ मी, यानी एग्री विथ मी मुझसे सहमत है, एग्री टू योर प्रपोजल, आई एग्री टू योर प्रपोजल, मैं तुम्हारे प्रस्ताव से सहमत हूं, तुमसे सहमत नहीं हूं, आई एग्री टू यू, आई एग्री टू यू, तो यहां पे ध्यान देना एग्री टू यू गलत हो जाएगा, आई एग्री विथ यू, राइट, तो एग्री टू योर प्रपोजल, तुम्हारे प्रस्ताव से सहमत हूं, एग्री विथ यू, ये सही हो जाएगा। तो एग्री विथ क्या, व्यक्ति सहमत, एग्री टू वस्तु या विचार सहमत। यहां पे हमने एक छोटा सा करके पार्ट वन बनाया है ताकि आप इसको देखो और अपने दोस्तों से आसपास में शेयर करो, शेयर करके आप देखो कि आप कितना सीख पा रहे हो और कितना बेहतर कर पा रहे हो। कंटिन्यू करूंगा मैं और आपको अगले वीडियो में देता हूं, बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करो आप। उसके साथ साथ अब एक काम और करो कि आप कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन ले लो, उसको बनाने का प्रयास करो। जब आप स्पीकिंग करते हो तो अंग्रेजी बोलने का प्रयास करो, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप बेहतर सीख पाओगे। इस तरह से आप क्या करो कि इस वीडियो को पूरा का पूरा सब बच्चों से डिस्कस करके आप बेहतर काम करो, और अब दिल्ली दूर नहीं, अब दिल्ली आके भी क्लास कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।